अस्सलाम वालेकुम। आज नया व्लॉग है, बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग है, बिकॉज आज हम मूव कर रहे हैं ये जो एक घर है इससे एक नए घर में। हमारे जो मेरे व्लॉग के जो सेलिब्रिटी हैं उस्मान साहब, उनका घर शिफ्ट करना है। उनसे पूछना है कि उनके घर कैसे ढूंढा। ये कोई 3-4 साल पुराना घर है ये, जहाँ पे उस्मान साहब रह रहे थे, उस्मान भाई बेसिकली। इसके घर काउंसिल का है, काउंसिल ने किसी को दिया हुआ है रहने के लिए, और इसकी हालत बस ऐसी है, मतलब इट्स नॉट प्रॉपरली यू नो, मतलब गंदा है बेसिकली। लोगों ने कपड़े शपड़े भी डालने में सोचने के लिए, घास भी नहीं कटी हुई, मशीन मौजूद है लेकिन फिर भी ये है जी। हमारे उस्मान भाई बेचारे अभी उठे हैं। अच्छा, आपने गौर किया होगा काफ़ी पतले हो, काफ़ी पतले हो गए या उसका एस टी कार्ड घर रह गया, काफ़ी पतले हो गए। ये रोज़ाना कितने किलोमीटर भागते हो? 5.5 किलोमीटर भागते हैं। और आप देख रहे हैं कि कपड़े बिल्कुल लहरा रहे हैं, बिल्कुल पूरे नहीं आ रहे, पहले फंसे होते थे। तो अभी हम इनका मूव कर रहे हैं सामान, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, लेकिन हमने पॉपकॉर्न ही छोड़ने। 44 पॉपकॉर्न के पैक में से भाई आधा डब्बा ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। ओके भाई जान, गाड़ी जो है वो फुल बटा फुल जो है भर गई है, चलाने क्यों आ रही है इसके ऊपर फुल टाइम पैको पैक। अभी एक बंदा इसका इतना सामान है। ये नए घर की चाबी भी देख लें आप। अभी आपसे पूछता हूँ नया घर कैसे मिला और क्या हिसाब था, और करंट जो है यूके की जो रेंट मार्केट है वो कैसी है। ये उस्मान साहब का जो है ना, उस्मान भाई का नया घर है, बिकॉज ही जस्ट कॉल हिज वाइफ, उनके लिए घर सेट कर रहे हैं अभी। उस्मान भाई ने घर दिखाए पहले। अच्छा, ये घर ढूंढने में कितना टाइम लगा आपको? सर कम से कम 6 महीने। तो 6 महीने, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस टाइम यूके की जो मार्केट है रेंट की वो कितनी ख़राब है। इट वॉज नेवर लाइक दिस। हम एंटर हो रहे हैं, एंटर होते ही उस्मान भाई के वाशरूम है। ओके, गुड। अच्छा, मेरा कमरा आ गया, ये उस्मान भाई का कमरा। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे चीटिंग कर ली है, बड़ा कमरा खुद रख लिया। ये लाइट बड़ी प्यारी है, चलती इसकी चेंज कर सकते हो इसकी रोशनी या नहीं? नहीं, येलो ही है आई थिंक, उसका बटन होता है ऐसे, लेकिन चेंज कर सकते हो आप, वो ना लगा हुआ उसके अंदर मेरे ख्याल में। हाँ, बैचलर लाइफ में ना यही हिसाब तब होता है। हाँ, मैंने सामान से पहले कह दिया था कि ये वाला जो बैग है ना ये मेरी गाड़ी में नहीं आएगा, बाकी सब कुछ मैं ले लूँगा। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल व्यू, ये चीज़ जितना पीछे गार्डन उतना, और ये है इनका गार्डन, मस्त है सामान, बहुत प्यारा है। माशाल्लाह, बैठने की जगह भी है, गद्दियाँ चाहिए इसके लिए। देखो तो इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है इसको, ये साफ साफ है बेसिकली। हाँ। ये क्या लगा हुआ है? अ स्मॉल स्टोरेज एरिया। तो ये टोटल कितने बेडरूम्स हैं यहाँ पे? 4 बेडरूम्स हैं, नीचे एक बेडरूम और। अच्छा, नीचे लिविंग रूम है, उन्होंने बेडरूम बनाया हुआ है। मेरा नहीं ख्याल आप उसको एज ए लिविंग रूम के तौर पर इस्तेमाल करो। जब मेहमान आएगा वो कहाँ बैठेगा? मेहमान कहाँ बैठाओगे? बाहर। चले जनाब, ये तो डन हो गया कि यहाँ पे गेस्ट आर नॉट हाउ से फैसिलिटेटेड। यार ये क्या लगा हुआ है? यार ये पता नहीं, मैंने कल पूछा था लेकिन उनको भी नहीं पता कि क्या लगा भाई। कोई हीटिंग सिस्टम लग रहा है मुझे, पता नहीं, हो सकता है। ये किचन है, क्वाइट हैंडी स्टोरेज एरिया। फ्रिज तो है यहाँ पे, आई डोंट नो आपको फ्रिज भी चाहिए कि नहीं चाहिए, आई डोंट नो। लेकिन वहाँ पड़ा हुआ लेके तो आना पड़ेगा। डिश वाशर नहीं है, डिश वाशर की जगह भी नहीं देखेंगे। ऐसा ही है, डिश वाशर की जगह। यहाँ से भी यू कैन हैव अ ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम बैक साइड। और ये वॉशिंग मशीन है। यस, ऊपर जा रहे हैं। आपकी वाइफ आएंगे, हम सब कुछ चेंज कर देंगे, वैसे बता रहा हूँ आपको। मैं भी हो सकता है आपका बेडरूम नीचे ही ना हो, तो ये एक बच्चों का बेडरूम, और ये दूसरे बच्चे का बेडरूम है। आई डोंट नो, ये तीसरे बच्चे का बेडरूम ये बड़े बच्चे का बेडरूम है, बच्चे का बेडरूम है। तो वो नीचे वाला रूम, नीचे वाला रूम एक ही है। हाँ, सेम साइज है वो, सिर्फ जो है ना। तो ये बेसिकली 3 बेडरूम का है, 4 बेडरूम ही नीचे लिविंग रूम है, उसको एज ए बेडरूम कंसिडर करता है। बहुत अच्छा है, लोकेशन इज वेरी गुड हियर, बट यूके रेंटल मार्केट इज वेरी वेरी बैड दिस टाइम। उस्मान को ये घर ढूंढने में 6 महीने लग गए, और उनसे एक्सपीरियंस पूछता है। लोगों ने यहाँ कारवांस भी रखे हुए हैं, इट्स अ गुड कम्युनिटी, बिल्कुल रोड के ऊपर है। यहाँ का एक और फ़ायदा भी है कि मस्जिद जो है वो बिल्कुल पास है, जो रेडिंग की सबसे बड़ी मॉस्क है ना वो यहाँ बिल्कुल पास है। उसमें आप एक्सपीरियंस कैसा रहा घर ढूंढने का? बहुत अच्छा था, ये तो बस मेरे साथ काम
काम करता मेरा बंदा, तो उसको मैंने बोला था कि घर चाहिए, तो बोला एक घर है वो आप देखें। तो इस पर बहुत बहस हुई, बहस किस मामले में? क्योंकि वो हम कह रहे थे कि भाई 1500 ले लो। कितना में आप? 3 बेडरूम है, इसको मैं 3 बेडरूम कंसीडर करूँगा प्लस 1 बिग लिविंग रूम। सो हाउ मच यू आर गोइंग टू पे? 1675 भी नहीं की। आई थिंक इट्स गुड एज कम्पेयर टू करंट मार्केट सिचुएशन। करंट मार्केट सिचुएशन है उसके हिसाब से बहुत अच्छा, ये 2000 पड़ेगा अराउंड, बिकॉज यहाँ पे काउंसिल टैक्स भी आधे 150 से ज़्यादा ही होगा, तो बैंड में सस्ती है। क्यों सस्ती भी है तो 150 तो होगा। और एक मसला बस यहाँ पर एक ये है जो कि मुझे भी दिखा, यहाँ ना वो बैग वो बिन नहीं है। आपके बैग साइड बिन पड़ा हुआ है? हाँ नहीं वो बिन नहीं है, तो पास ना बैग है। हाँ वो मसला है, हमारा कूड़ा बहुत ज़्यादा होता है पाकिस्तानी में, कूड़ा बहुत ज़्यादा होता है। ये लोग एक हफ्ते में भरते हैं, हम एक दिन में भर देते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड बैग्स हैं इनके, बिन ये देखें। या आई नो इस तरह के बैग्स हैं यहाँ पे पड़ा हुआ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और आपको सिर्फ उस टाइम निकालना पड़ा, उनका एक दिन होता नहीं कि आपको उस टाइम निकालना पड़ा होगा। उनसे पूछो मे बी यू कैन जस्ट पुट अ बिन, ये बिन कैन गो इनसाइड एंड समथिंग लाइक दैट। हाँ हाँ तो फिर कुछ ऐसे ही करेंगे कि बिन ही इस तरह से लेंगे, तो बैग्स बड़े मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन एक अच्छी बात है आपके पास बैग, यू हैव अ ह्यूज पार्किंग स्पेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 गाड़ी, तो यहाँ पे 7 8 9 गाड़ियाँ आ सकती हैं। नहीं कितनी गाड़ी? 1 2 3 4 5 6 जैसे वो सामने करके 1 2 3 4 5 6 7 8 गाड़ी खड़ी। गाड़ी जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कितनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं यहाँ पे? तो आप मेरे ख्याल 6 तो आराम से आ जाएंगे, 6 तो आराम से आ जाएंगे यार। खजूर खारी के बाद आपको इनको घर मिल गया माशाल्लाह। yes. होता क्या था, ये घर होता क्या था, गारिन को पसंद आता था और ये जब कहती थी मैं देखने आ रहा हूँ उस टाइम में वो चला जाता था बिकॉज ऑफ द हाई इंटरेस्ट रेट्स। उस्मान भाई को भूख लगी, उस्मान आपने कब से खाना नहीं खाया? कल रात से खाने का अभी टाइम हुआ, अभी दो बज गए ना, तो ये ना दिन में एक दो खाना खाते हैं लेकिन वो काफ़ी अच्छा खाना होता है और काफ़ी ज़्यादा होता है। ये आलू वाले पराठे के साथ ऑमलेट है और ये केचप मांग रहे हैं। नहीं लेकिन हमें मेन चटनी, मेन चटनी मिल गई, कैचअप नहीं मिल रहा। अरे पूल नंबर 2 है और ये देखो बड़ा सा मैटर हमने गाड़ी के बीच लगा दिया है जो कि आ भी गया। सो नाउ लेट्स पैक। आज हमने पैकिंग पूरी कर दी ऑलमोस्ट, तो क्या फीलिंग्स है भाईजान? रिलैक्स। आप आज यहाँ सोएंगे? जी चलिए जी, आपको आपका नया घर बहुत मुबारक हो। उसको पेंट शेंट कराएँ, थोड़ा बाहर लाइटें शर्ट लगवाएँ, थोड़ा पर्दे शर्दे ठीक कराएँ, थोड़ा यानी लश पश करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आई थिंक नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर तो आप यहीं पे हैं होपफुली। जी सर, उसके बाद देखते हैं। नहीं सर, उसके बाद 2 बच्चे हो जाएंगे, एक मेरे एक भाई के। हाँ जी, उसके भी कमरे हैं हमारे पास। हाँ ऊपर हैं, देखा 2 बेडरूम्स हैं। हाँ। और अगर दोनों बेटे हुए, दोनों बेटियाँ हुई तो सही हमारे पास एक और ऑप्शन है दोबारा बेटे और बेटी करने की। चलो सही है। हाँ वो एक रेस लग जाएगी। नहीं नहीं वो अगर आपके आप सेम जेंडर अगर है तो रूम शेयर कर सकते हैं। या आई नो यहाँ पर रूल्स है, लेकिन अगर सेम जेंडर नहीं भी है तो एक खास एज तक वो इकट्ठे रह सकते हैं, उसके बाद वो चेंज हो गए। चले भाई जान, बोर करने का बहुत शुक्रिया। ओके थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।